इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ इसका आपने देखे हुए हैं, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, दो तीन क्वेश्चन में इसको देखते आ रहा हूं। तो ग्राफ डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है, कहां कहां जीरो हो रहा है, टू पे और फोर पे। अच्छा, टू और फोर के बीच में क्या होगा, निगेटिव होने वाला है। टू टू और फोर के बीच में ये पॉजिटिव होने वाला है, ये निगेटिव, मतलब ये फोर माइनस टू बनने वाला है, मतलब टू। उसके बाद ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। इसका ग्राफ हम पीछे से रिवाइज करते आ रहे हैं, और ये वैल्यू कितनी है, टू। अब मुझे पता है के की वैल्यू टू से ऊपर गई, के की वैल्यू टू से यदि ऊपर गई तो क्या होगा, के की वैल्यू टू से ऊपर गई तो टू सॉल्यूशन, टू हो गई तो इनफाइनाइट, और टू से नीचे नो सॉल्यूशन। और के इक्वल टू थ्री, टू सॉल्यूशन, गुड। और के इक्वल टू थ्री, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, गुड। और के इक्वल टू वन, नो सॉल्यूशन, गुड। और के इक्वल टू जीरो, थ्री थ्री सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है।